हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियोस फॉर यू। में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी बेहतरीन व्हाट्सअप की ट्रिक लाया हूँ। हालांकि मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था व्हाट्सअप ट्रिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, बट उसमें एक आध पॉइंट्स रह गए थे और सडनली मेरे एक फ्रेंड ने भी मुझे ऐसी एक ट्रिक के बारे में पूछा, तो सोचा इस पर भी एक वीडियो बना दूँ। तो दोस्तों, वीडियो में ऐसा कुछ है कि व्हाट्सअप में आप अभी सामने वाले को बताए बिना उसको पता भी नहीं चलेगा आपने उसका स्टेटस देख लिया। होता है ना कई बार ऐसा कि किसी को आपको स्टेटस किसी का देखना है, बट उसे जताना नहीं है कि आप उसका स्टेटस देखते हो। तो स्टेटस देखते हो और सामने वाले को नहीं देखे, उनके लिए काफ़ी अच्छी व्हाट्सअप की ट्रिक है। कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की रिक्वायर नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो के साथ जुड़े रहिए और स्किप बटन को तो बिल्कुल प्रेस मत करना, क्योंकि एक भी स्टेप मिस हो गया ना तो आप ये फ्यूचर्स का यूज़ नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हो, आ जाते हैं मेरी व्हाट्सअप वाली ट्रिक। जी दोस्तों, तो ये है जो आप फ़ोन देख रहे हो ना, जी ये गणेश जी जहाँ पे ये वॉलपेपर वाले जो मोबाइल है ना, ये मेरा पर्सनल मोबाइल है और मेरे फ़ोन में मैं ये सेटिंग कर रहा हूँ कि मुझे किसी को भी स्टेटस देखना है बट उसे दिखाना नहीं है कि मैंने उनका स्टेटस देखा। उनके लिए एक और फ़ोन की रिक्वायर रहेगी, तो यहाँ पे मैं मेरे मम्मी का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप बाजू की स्क्रीन में जैसे देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको मेरी मम्मी का भी फ़ोन दिख रहा है। तो अभी दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पे जैसे मेरा फ़ोन तो नॉर्मल सेटिंग्स जो मैंने रखी थी वही मैंने रखा हुआ है। आप मेरी मम्मी वाले फ़ोन में स्क्रीन पे देखो, वहाँ पे मैं आपको नॉर्मल एक स्टेटस लगा के देख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। वेट कीजिए दोस्तों। जी दोस्तों, तो ये क्यूट सा बच्चे वाला जो वॉलपेपर है ना, वो मेरी मम्मी का फ़ोन है। ये भी जैसे मेरे मम्मी के फ़ोन में मैं कोई भी एक स्टेटस रखूँगा और मैं देख लूँगा, मेरी मम्मी को पता नहीं चलेगा कि मेरे बेटे ने मेरा स्टेटस देख लिया या नहीं देखा है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको एक नॉर्मल ट्रिक दिखा दूँ कि नॉर्मली जब ऐसे सेटिंग्स करते हैं, जैसे व्हाट्सअप पे जाते हैं, ओके व्हाट्सअप लोड ले रहा है। व्हाट्सअप में जाने के बाद यहाँ पे भी मैं कोई भी एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लूँ। जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि ये वाला डिज़ाइन वाला फ़ोटो मैंने स्टेटस पे रख दिया। अभी जैसे यहाँ पे स्टेटस अपलोड हो गया है तो यहाँ पे ज़ीरो व्यूज़ है। जब तक अगर किसी ने भी मेरा मम्मी का स्टेटस नहीं देखेगा तब तक यहाँ पे ज़ीरो व्यू रहते हैं। जो नॉर्मली हम डेली व्हाट्सअप यूज़ करते वैसे ही मैंने सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट है। अभी जैसे मेरे फ़ोन में आप देखोगे कि ये स्टेटस को मेरे फ़ोन में मैं देख रहा हूँ, तो आपको देखो यहाँ पे मैं मेरे फ़ोन में जैसे स्टेटस देखूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक व्यू मेरा वहाँ पे काउंट हो जाएगा, बिकॉज़ मैंने कोई भी यहाँ पे सेटिंग या कोई भी ट्रिक को आजमाया नहीं है। देखो दोस्तों, यहाँ पे आ गया माई सन जियो नंबर जस्ट नाउ, मैंने यहाँ पे सीन कर लिया है मेरी मम्मी वाले फ़ोन में, तो वो यहाँ पे मम्मी को दिख गया। अभी मुझे क्या करना है कि मैं स्टेटस देखूँ बट मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने उनका स्टेटस देख लिया, तो उनके लिए मेरे फ़ोन में मुझे सेटिंग करनी पड़ेगी। तो आप मेरी फ़ोन की स्क्रीन पे दोस्तों गौर से देखना, कोई भी स्किप मत करना, क्योंकि यही एक पार्ट है जो आपको काफ़ी काम आने वाला है। दोस्तों, अभी हम यहाँ पे एक नॉर्मल सा सेटिंग करने वाले हैं। यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिर सेटिंग पे जाना है। सेटिंग में जाने के बाद अकाउंट्स में दोस्तों जाना है। अकाउंट में जैसे ही जाओगे ना तो पहला ही ऑप्शन रहता है प्राइवेसी का। यहाँ पे प्राइवेसी पे जाके आपको रीड रिसिप्ट को ऑफ करना है। यहाँ पे बेसिकली ऑन है क्योंकि सबको स्टेटस दिखना चाहिए। और ये ऑफ करने के बाद दोस्तों एक चीज़ मैं आपको स्ट्रिक्टली बता दूँ कि आप किसी को मैसेज सेंड करोगे और किसी का मैसेज आपको रिसीव होगा ना, तो वहाँ पे ब्लू टिक नहीं आएगी क्योंकि ये रीड रिसिप्ट आप ऑफ कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, ये इसका डिसएडवांटेज है, बट इतना तो आप कर सकते हो अगर आपको स्टेटस वाला ट्रिक्स यूज़ करना है कभी कभार, तो ये आप कर सकते हो दोस्तों। तो ज़्यादा बात ना करते हो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। यहाँ से मैं नॉर्मली इनको कर देता हूँ, अभी ऑफ कर दिया। अभी किसी का भी स्टेटस मैं देखूंगा ना तो सामने वाले को व्यू नहीं जाएगा। जिनका डेमो मैं दिखा देता हूँ, मेरे मम्मी के फ़ोन से वापस एक बार मैं कोई एक अलग स्टेटस रखता हूँ एंड देन यहाँ से मैं देखने की ट्राई करता हूँ, फिर मम्मी के फ़ोन में वापस देखूंगा कि वहाँ पे व्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, मेरी मम्मी वाली स्क्रीन के फ़ोन में यहाँ पे दोस्तों दूसरा एक मैं स्टेटस सिलेक्ट करके रख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये एक डिज़ाइन ले लिया ड्रेस का, यहाँ पे मैंने इनको कर दिया सेंड। जैसे ही सेंड हो गया तो यहाँ पे एक व्यू मेरा ऑलरेडी तो था ही, ये दूसरा है जहाँ पे अभी भी ज़ीरो व्यूज़ है। अभी मैं मेरे फ़ोन से इनको रीड करने की ट्राई करूँगा, मैं व्यू करूँगा, पूरे एंगल से व्यू करूँगा, पूरा देखूँगा एंड देन फिर वापस ये स्क्रीन पर आप देखते हैं कि यहाँ पर व्यू ऐड होता है कि नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने व्हाट्सअप ओपन कर लिया, व्हाट्सअप ओपन करने के बाद मेरे मम्मी का यहाँ पे मुझे स्टेटस दिख रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे व्यू कर लिया पूरा, रीड रिप्ले भी दे सकता हूँ, यहाँ से थ्री डॉट्स पे ऊपर क्लिक भी हो रहा है, हर एक चीज़ हो रही है। मैंने पूरा यहाँ से देख लिया, जैसे ही मैंने पूरा देख लिया यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने पूरा वीडियो देख लिया है। अभी दोस्तों क्या होगा कि जैसे मेरे मम्मी के फ़ोन में मैं जैसे ही स्टेटस के डिटेल्स में जाके यहाँ पे देखूंगा कि किस किस ने मेरा वीडियो व्यू किया, देखूंगा यहाँ पे ज़ीरो व्यू आ रहा है। जी दोस्तों, जीरो आ रहा है बिकॉज मैंने वहाँ पे रीड रिसीव को ऑफ कर दिया। और एक चीज़ मैं आपको दोस्तों बता दूँ कि जब भी मैं यहाँ से रीड रिसीव को ऑफ करूँगा तो मुझे किसी का नहीं, बट जैसे ही मैंने इनके यहाँ रीड रिसीव को ऑन कर दिया तो वापस से मेरी मम्मी को मेरा व्यू चला जाएगा। क्योंकि आपने काफ़ी सारे वीडियोज़ देखे होंगे जहाँ पर आपको ऐसा बताया जाता है कि दोस्तों
यहाँ पे आप ऐसे करने के बाद ऐसा होगा और यहाँ पे रिसीव ऑफ ऑन करने के बाद भी सामने वाले को व्यू नहीं जाता, तो वो डेफिनेटली रॉन्ग है, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो भी दे रहा है वो। तो मैं आपको सही गाइड कर रहा हूँ दोस्तों, जैसे रीड रिसीव को आपने वापस ऑन कर दिया तो जितने भी स्टेटस आपने वो मोड पे देखे होंगे वो सबको आपका व्यू चला जाएगा। और दोस्तों ऐसे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और शेयर तो बिल्कुल करना दोस्तों। और अगर आपका कोई ऐसा है टेक्निक्स की या आप ऐसा कुछ जानना चाहते हो कि ऐसे कोई ट्रिक्स है एंड्रॉयड फ़ोन के रिगार्डिंग्स, व्हाट्सएप के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करिए ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको शेयर कर पाऊँ दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों।